लड़की 10 साल की है, 11 साल की है, 12 की है, 13, 14, 15, 16, 17, 18 होते ही वो उसको ब्रह्म ज्ञान हो जाता है, वो दुनिया की ताकतवर औरत हो जाती है, उसको कानून इजाजत दे देता है कि वो एडल्ट हो गई है, वो कुछ भी कर सकती है, उसे करना चाहिए। उसको बाप तक को गाली देनी चाहिए क्योंकि ताकतवर है, उसको चिंता नहीं करनी चाहिए। ये नैरेटिव बिल्ड करने में मीडिया एकदम पीछे नहीं रहती, कुत्तों की तरह भौंकने लग जाती है। नमस्कार, ये कैसी बेटी है, ये कैसा बाप है, ये कैसा टॉपिक है। दरअसल बात यहां तक पहुंच गई है कि बाप को गाली देने वाली लड़कियों को सशक्त माना जाने लगा है। और पापा, आपने जो अपने कुत्ते भेज रखे हैं ना मेरे पीछे, जस्ट लाइक राजीव राणा, उसको बताओ अगर मेरे सर के ऊपर से पानी चला गया तो उसका पूरा खानदान जेल में हो गया, मैं परेशान हो चुकी हूँ। मतलब इतना घूम घूम के हम परेशान हो चुके हैं और मेरी हमारी जान को खतरा है। और एक बात कहना चाहूंगी विक्की और पापा कि अभी और उसके रिलेटिव्स को परेशान करना बंद कर दो, क्योंकि उन लोगों की कोई गलती नहीं है, जो कुछ किया है मैंने और अभी ने किया है। परिवार को दुत्कारा, ठोकर मारा, भागा, अपनी पसंद के युवकों से शादी करी, मीडिया उसके ऊपर लपकती है गिद्धों की तरह। वुमेन एक्टिविस्ट टूट पड़ते हैं, उसको समाज का हीरोइन बनाते हैं। हीरोइन बोले तो इम्पावर्ड लेडी, सोसाइटी को चाहिए ऐसी लड़कियां, ये होती हैं लड़कियां। राजेश जी, आप भी यही हैं, हम भी यही हैं और हमारी नजरें भी इन दोनों पर रहेंगी लगातार, क्योंकि ये जिस तरह का खतरा जता रहे हैं इन सब के बीच। अब इस वक्त तो मैं शो पर आपका धन्यवाद भी कह सकती हूँ, लेकिन ये जरूर है कि ऐसा डर और खौफ किसी बेटी के मन में होना नहीं चाहिए कि उसका अपना पिता ही उसकी की हुई शादी, क्योंकि आप ही कह रहे हैं ना राजेश जी, शादी कर ली है, बालिग है, वो अपने फैसले ले सकती है, फिर ये मलाल, ये गुस्सा मन में क्यों रखना है। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि बेटी बचाओ, और बरेली में एक बीजेपी विधायक की बेटी कह रही है कि मुझे अपने पिता से बचाओ। मामला एक ब्राह्मण लड़की और एक दलित लड़के की लव मैरिज का है। द होल फैक्ट ऑफ गेटिंग मैरिड, द स्टेप दैट यू टेकन मस्ट बी अ वेरी डिफिकल्ट डिसीजन फॉर यू, एंड द फैक्ट दैट योर फैमिली इज नॉट स्टैंडिंग विद यू, योर मदर एंड फादर एंड ब्रदर नॉट अराउंड, व्हाट मेड यू टेक दिस डिसीजन। बालिग लोग हैं, उनको निर्णय लेने का अधिकार है, तो मुझसे किसी को खतरा नहीं, ना मैंने किसी को फोन किया, ना मेरे परिवार के, ना किसी आदमी। मैं कोई बात करने नहीं, मुझे आप लोग परेशान मत कीजिए, मैंने कल अपना निर्णय दे दिया है, और आप लोग मुझे आज बच्चा को मजबूर मत कीजिए, मेरे परिवार को चैन से रहने दीजिए। आप किसको हीरोइन बना रहे हैं, किस लड़की को? मैं ये नहीं कह रही हूं कि उसने शादी अपनी मर्जी से कर ली, वो गलत था या अंतर जाती है, ये सब हम रोज देखते हैं, बड़ी बात नहीं रह गई है हमारे समाज में। मगर जिस तरह से आपने किया, जिस तरह से आप अपने परिवार के विरुद्ध बोल रही हैं, आप पढ़ी लिखी हैं, सब जानते हैं आपकी डिग्री के बारे में, आप अलग रहकर पढ़ी हैं, आपके पास वो सब कुछ था जो शायद किसी नॉर्मल गरीब लड़की के लिए एक सपना होता है, मगर फिर भी आप अपने परिवार को अभद्र भाषा में जाने क्या क्या कह रहे हैं। लड़की 10 साल की है, 11 साल की है, 12 की है, 13, 14, 15, 16, 17, 18 होते ही वो उसको ब्रह्म ज्ञान हो जाता है, वो दुनिया की ताकतवर औरत हो जाती है, उसको कानून इजाजत दे देता है कि वो एडल्ट हो गई है, वो कुछ भी कर सकती है, उसे करना चाहिए। उसको बाप तक को गाली देनी चाहिए क्योंकि ताकतवर है, उसको चिंता नहीं करनी चाहिए। ये नैरेटिव बिल्ड करने में मीडिया एकदम पीछे नहीं रहती, कुत्तों की तरह भौंकने लग जाती है। पिछले दो हफ्तों में हिमा दास ने दो गोल्ड मेडल अंतर्राष्ट्रीय इवेंट में जीते हैं, वो हीरोइन नहीं है। मीडिया के लिए वो हीरोइन नहीं है क्योंकि उसने अपने बाप और भाई को गाली नहीं ना दी, उसने पितृसत्ता के विरुद्ध झंडा नहीं खड़ा किया, उसके सामने एक एम है, वो स्पोर्ट्स पर्सन है, वो कर रही है जिसके लिए उसको तैयार किया गया था। इससे मुझे याद आता है कि कुछ महीनों पहले गोमती नाम की एथलीट थी जिन्होंने ये बयान दिया था कि उनके पिता ने पशुओं का चारा खा करके उनको तैयार किया एथलेटिक्स के लिए, वो भी हीरोइन नहीं है क्योंकि उसने अपने पिता को गाली नहीं दी, उसने पितृसत्ता को गाली नहीं दी, ना अपने भाई को गाली दी। नैरेटिव सेट किया जा रहा है फेमिनिज्म के झंडे के तले कि जहां पर भी आप
पुरुषों को, चाहे वो आपका पिता ही क्यों ना हो, अभी तक पति की बात हो रही थी, अब बाप और भाई तक पहुंच चुका है। नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि आप तभी सशक्त महिला हैं जब आप पिता को, भाई को, पति को या किसी भी पुरुष को गाली देंगी, आप तभी सशक्त महिला हैं। धरती पे ऐसा कौन सा बाप है, पूरी धरती की बात करता हूं, जो अपना दामाद अपनी बेटी के लिए लड़का ऐसा तलाशेगा जो कभी कभी सुट्टा भी मार लेता हो, कट्टा भी रखता हो, और जहाँ कहीं लड़की उड़की दिखी मोहल्ले में वहाँ जा कर के अपना पर्चियाँ भी बांट आता हो आई लव यू का, और उसकी बच्ची से 10 साल बड़ा भी हो, और आर्थिक रूप से वो मजबूत भी ना हो, तब अगर बेटी अगर उसके साथ ऐसे लड़के को पसंद कर लेती है और मीडिया वाले कहते हैं कि आप उसे एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, क्या बदतमीजी है। उसने कहा कि वो बालिग है, जा सकती है, अपनी जिंदगी जिए, खुश रहे, बाप से ज़्यादा और क्या कर सकता है। रो भी सकता है अगर उसकी लाशें आएंगी सूटकेस में बंद होके। मगर मीडिया किस तरह के नैरेटिव सेट कर रही है आप देखिए। क्या आपको लगता है कि ये एक दिन में हो जाता है? ये एक दिन में नहीं हो जाता है। ये पितृ सत्ता के विरुद्ध झंडा उखाड़ना और घर से भागी हुई लड़कियां टाइप वो कवि लोग शुरू हो जाते हैं कविताएं लिखना। आपको पता है आपकी बच्चियां भी ये पढ़ रही होती हैं, आपकी बहनें पढ़ रही होती हैं, आपकी पत्नियां पढ़ रही होती हैं, आपकी बाकी फीमेल रिश्तेदार ये पढ़ रही होती हैं, और उन पर क्या असर पड़ता है। ये बरसों की स्लो ब्रेन वॉशिंग है, जिसका पता तब चलता है जब कोई लड़की खुशी परिहार टाइप होती है और वो किसी दिन उसकी डेड बॉडी मिलती है। जो लड़की घर से भागती है, बाप को गाली देती है, भाई को गाली देती है, वो मीडिया की प्रिय लड़की होती है। ठीक है, ऐसे लोगों को ये भी तो थोड़ा सा एक दूसरी घटना देख लीजिए, खुशी परिहार की है, वो 19 साल की उम्र की लड़की, मात्र वो जिस लड़के के साथ गई, अशरफ से एक नाम था उसका, लाश मिली थी और वो लाश पहचानी न जाए इसके लिए चेहरा को विकृत कर दिया गया था। कोई बाप ऐसा भी तो नहीं चाहता होगा ना, चाहेगा क्या। यहां मीडिया कुत्तों की तरह नहीं भागी थी, गिद्धों की तरह नहीं झपटी थी इस केस में, क्योंकि उम्र गई थी ना, वो जिंदा रहती और फिर गाली देती अपने उस पेरेंट्स को जिसने उसको एडॉप्ट किया था खुशी को, तो फिर मीडिया कूदती, वुमेन एक्टिविस्ट कूद के आते कि एक तरफ तो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ करते हैं, दूसरी तरफ उसको आजादी भी इतनी नहीं देते कि अपनी पसंद के लड़के से वो शादी कर सके, उसके साथ जी सके। कहां से कहां तक जिंदगी जा सकती है, ये लड़कियां समझ लेती हैं 18 साल होते ही, पहचान लेती हैं कि मैं जिसके साथ जा रही हूं वो ही सर्वश्रेष्ठ है। मैं कहता हूं कि प्रेम सच्चा हुआ उससे हुआ जो बेस्ट कंफर्टेबल है उसका। तो बाप को गाली देना जरूरी है, घर से भागना जरूरी है, ये नैरेटिव कहां से आ गया। ये जो स्वतंत्रता है, आजादी है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो नारा है, उसके लिए जो पूरी दुनिया एक है, उसके नैरेटिव के पीछे ये कौन सा एंगल है। बाप को गाली देने वाली, परिवार को छोड़ के भागने वाली, लात दिखाने वाली, और फिर जो बाप रडार में आ जाए, मीडिया के रडार में आ जाए, उसको कहे कि ठीक है वो आपकी बेटी है, वो आपकी मर्जी से गई या अपनी शादी करी, आप उसे अपनाओगे कि नहीं बताओ, कैसे बाप हो, कैसे राक्षस हो। वो कहता है कि भाई आत्महत्या करने को मजबूर क्यों कर रहे हैं। वो लड़कियां जो घर से भागती हैं, लाशें उनकी आती हैं, उनकी जिंदगी तबाह होती, उसे भी नारीवादी नहीं उठाते, उसे भी मीडिया नहीं कवर करती। न्यूज आता है ना फटाफट, बुलेट 100 खबरें 5 मिनट में। ध्यान रखिए अपने बच्चों का, उन्हें वुमेन एक्टिविस्ट जो है उनके हाथों में नहीं पड़ने दीजिए, मीडिया ट्रायल का हिस्सा मत बने दीजिए। बताइए
किस तरह कुत्तों की तरह गिद्धों की तरह झपट पड़े थे वो साक्षी हर टीवी में, ये आज तक है, एबीपीपी है, ये एनडीटीवी है, ये दिस है, दैट है, लगा कि उसके बिना चैनल का कोई अस्तित्व ही नहीं है। कौन सा नैरेटिव बना रहे थे, किस लड़की को हीरोइन बना रहे थे, कोई डांटने वाला नहीं था उस लड़की को, है तुमने क्यों घर छोड़ी बिना बाप की मर्जी के, क्या हासिल कर लोगी, किसी ने यहां तक नहीं पूछा क्या तुम नौकरी करती हो, क्या अपने पैर पे खड़ी हो, क्या तुम इंपावर हो, तुम्हें शक्ति कहां से मिली, तुम कैसे जियोगी, अगर कल कोई ये लड़का तेरे साथ धोखा करता है तो कहां जाओगी, तुम बाप को तो गाली दे दिया। समझिए, बच्चों को भी समझाइए, वो लड़कियां भी अगर कुछ सुनती होंगी तो समझेंगी, बाप के मरने पे बेटियां तो रोती हैं, जीते जी गालियां कैसे दे लेती हैं समझ में नहीं आती मुझे। पापा सुनो माफ कर देना, कहने से क्या जिंदगी वापस आ जाती है, वो भी आप जिंदा रहती है तो बोलती है ना, लेकिन चलिए। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वो घंटी जो है उसको प्रेस कर दीजिए, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, और स्वस्थ रहिए। परिवार नाम की जो संस्था है उसको बनाने में जितना योगदान हो सकता है दीजिए, और मीडिया और वुमेन एक्टिविस्ट जो हैं तथा कथित नारीवादी लोग जो नैरेटिव बना दिए हुए हैं कि साक्षी जैसी लड़की सशक्त होती है, समझिए हिमा दास जैसी लड़की सशक्त होती है, मजबूत होती है, परिवार और देश का आधार बनती है।